क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज जो कि लुधियाना में स्थित है। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज में बहुत ही कम रेटों पर इलाज किया जाता है और मरीजों को हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना का विशेष दौरा किया और यहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और प्रिंसिपल सर से विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कैसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जो पिछले लंबे समय से सेवा दे रही है। हमारी मुराद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो है डेंटल कॉलेज है, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना। और अभी हम प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं। ये टॉप रैंकिंग में 10th नंबर में है और यहाँ की सेवाएं हैं जो, जैसे अभी हम लोग जब आए तो एक पेशेंट जिसका कि 6000 रुपया बिल बन रहा था, बहुत ही पुअर फैमिली से था, 2500 थे उनके पास और उस 2500 में ही सेवा में ये कॉलेज जो है सेवाएं कर रहा है। पहले रेट बहुत कम है, वो डेंटल वाले रेट्स नहीं है, लेकिन उस कम में बेस से भी 6000 रुपये में भी, क्योंकि वो भी चैरिटी के बेस पर ही इन्होंने रखे हुए हैं, उसमें भी सी उसके पास 2500 थे और उन्होंने 2500 में ही उनको अलाउ किया। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेवा है और हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो। नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर एबी थॉमस है। मैं इधर इस संस्था में 22 साल से काम कर रहे। मैं कैसे इधर आया, मैं केरला से है। मैंने खुदा के मर्जी के अनुसार मैंने इधर आया है, क्योंकि नो हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं है, खुदा के लिए, इसलिए मैंने इधर सेवा कर रहे। और हमारा काम का मकसद है, मेरा काम खुदा के लिए, इसलिए हमने हर जगह हर इंसान को खुदा का काम करने के लिए जो मौका मिलते है उसी तरह से हम करते हैं। हम धन्यवाद है क्योंकि ना प्रभु ने हमको बहुत आशीष दिया इतने सालों से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत 35 से ऊपर सीनियर फैकल्टी है, वो भी बहुत सारे एक टीम के तरफ हमारे साथ काम करते हैं। हम बहुत धन्यवाद है। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग धर्म से है, अलग अलग रीजन से भी है, हम एक साथ एक मन से काम करते हैं, इसलिए ये काम बढ़ रहे। और हम धन्यवाद है गवर्नमेंट के तरफ से, यूनिवर्सिटीज के तरफ से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आजकल पूरे भारत देश में 300 से ऊपर डेंटल कॉलेज है और इसमें से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ हमारा रैंकिंग है 18 है। कुछ मैगजीन के अनुसार आउटलुक मैगजीन हमारा नाम 7 नंबर में, इंडिया टुडे के अनुसार 10 नंबर है। और हमको ये सारे प्रोत्साहन क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा का कोई प्रभाव नहीं है। जो कुछ हमारे साथ है उससे हम सेवा करते हैं। हमारे पास कुछ भी है हम सेवा के लिए तैयार है। सो हमारे बिल्डिंग्स बड़ा नहीं है, हमारे इक्विपमेंट्स जो है हमारे पास वो सारे चलते हैं। हम कोशिश करते हैं, अपने पैसे भी डालकर हमने इसके लिए काम करते हैं। सर, अगर हम बात करें यहाँ के जो बच्चे हैं उनके प्रोसीजर्स की, उनको सिखाने की बात करें, तो लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स आती हैं, जो भी लेटेस्ट कोई भी चीज डेंटल में होती है, तो इस कॉलेज में सबसे पहले सिखाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम धन्यवाद है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रोटरी एंडोडोंटिक्स, पहले रूट कैनाल आज भी काफ़ी लोग हैंड से करते हैं, रोटरी एंडोडोंटिक्स मतलब मशीन से ही करते हैं। 2001 से हमने शुरू किया है। अब आजकल हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक ही दिन में हो सकते हैं, पहले ना कितने विजिट भी हो सकते हैं। सो एक ही दिन में हमने काफ़ी केसेस जो इंडिकेटेड है हमने करते हैं। और दूसरी चीज़ है इम्प्लांट्स, आजकल सब लोग इम्प्लांट के बारे में बोलते हैं। 2002 से हमने लगातार इम्प्लांट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बहुत अच्छा टीम वर्क है, एक धन्यवाद है। और हमारा ओरल सर्जरी टीम CMC के सारे ट्रॉमा केसेस, पूरे मैंडिबल मैक्सिला जो कुछ एक्सीडेंट केसेस आते हैं, कैंसर केस आते हैं, ट्यूमर केस आते हैं, जो भी है हमारे ये हमारे टीम है, पूरे देखभाल करते हैं।
हमको रेफरल आते हैं कश्मीर से दिल्ली तक, पूरा केसेस हिमाचल से, सारे केस इधर ही आते हैं। और हमारे साथ एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट्री में है, वो 2002 से हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है। कोई करना चाहिए नो बच्चों के साथ नो, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करते। हमारी एक बढ़िया टीम है, वो 2002 से अभी तक हमारा काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जो कुछ काफ़ी टाइम ना ये कोई बच्चों का समस्या काफ़ी लोगों को मन में आते नहीं है, कैसे एड्रेस करना, जो बचपन का समस्या है हमने सही तरह से एड्रेस नहीं किया तो ना वो पूरे जिंदगी भर पैसे लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने हमारे कैम्प पे मोबाइल डेंटल सर्विसेस है, हमने 1984 से कॉलेज शुरू हुआ 92, इसके पहले से हमने हर एक गांव में हमारे गाड़ी जाकर, काफ़ी लोग करते हैं चेकअप करते हैं उसके बाद इलाज करते नहीं, हमारा ये लक्ष्य है हम चेकअप करने के साथ ही इलाज भी करते हैं। हमने पंजाब का आधा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं सिस्टमैटिक। अभी कोविड के वजह से हमने बंद किया है मार्च अप्रैल से, इसके पहले हर एक गांव में हम जाते हैं उसके प्रधान से और जो कुछ उधर वो सेवा करते हैं उन लोगों के जुड़कर हमने लगातार काम करते हैं। और ये हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, इधर तक आने के लिए उनके पास किराया नहीं है, उनका सुविधा नहीं है आने के लिए, ये काफ़ी चीज़ हमको मदद कर सकते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है ये इलाज करने के साथ हमारे जो सीख रहे हैं ना बच्चे ना, ये सारे उनके मन में एक सोशल सर्विस का भाव प्रभाव उनके ऊपर आने के लिए, क्योंकि ना बिना इससे कोई फायदा नहीं है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन ये सारे चीज देखकर उन वही करना चाहिए। सो क्योंकि हमारे एक अच्छा सिटीजन बनाकर एक दूसरे को मदद करने वाला होना चाहिए। सर यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव गॉट ग्रेट डेटा ओवर देयर, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जैसे आज हमने स्टार्टिंग की है, हम चाहेंगे कि सीएमसी की सेवाएं हम लोगों के साथ शेयर करें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। हाउ यू आर फीलिंग एट सीएमसी डेंटल कॉलेज? यू आर हियर, आई एम हैविंग अ गुड टाइम हियर, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, आई लाइक द वर्क कल्चर हियर, एवरीबॉडी इज वेरी प्रोफेशनल, लाइक दे आर वेरी कोऑपरेटिव, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। और अगर हम बात करें यहाँ के सर्विसेज की बात करें, जैसे यहाँ चैरिटी जो एक सबसे बड़ा बात है, सीएमसी चैरिटी बहुत ज़्यादा होता है और लोगों के मन में एक बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पर, और पेशेंट्स का जैसे इलाज भी हम करते हैं तो भी कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन चलते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पेशेंट केयर इज़ आर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए तो होल टीम इज डेडिकेटेड टू सिंगल पेशेंट, जितने हो सकते हैं डॉक्टर सभी मिलके काम करते हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी है, पेशेंट इज आवर प्रायोरिटी। फ्रॉम व्हिच प्लेस यू आर हियर? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल। एंड व्हाई यू चूज दिस कॉलेज सीएमसी? आई चूज दिस कॉलेज बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड एज इट इज लाइक आई वांट टू सर्व द पीपल, and over here the patient flow and everything is very nice and features and everything are very nice, so that's why I chose as the, when I was selecting I kept it as my top 3 choices. And agar hum baat kare aajkal ke jo modern dentistry hai jisme smile designing hai aur root canal hai aur naye naye procedures hain, implant hai, to ye to CMC to bahut pehle se ye cheeze kar raha hai, kya kehna chahenge? पहले से कर रहे हैं, पर वी आर लाइक आवर सीनियर्स एंड एवरीवन आर टीचिंग अस आल्सो टू डू द सेम थिंग, एंड मोस्टली वी एंड वी आर लर्निंग हियर सो दैट वी कैन गो टू रूरल प्लेसेस एंड वी कैन अप्लाई दिस वेयर द पीपल नीड एंड ऑल। देखो हमने नो कोरोना के लिए आजकल सारे प्रिकॉशन लेकर करते हैं, सारे किट लगाकर सारे प्रिकॉशन लेकर करते हैं, जगह भीड़ नहीं है, कम लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी जगह है, हमारे पास 150 डेंटल चेयर्स है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट को, सारे प्रोसीजर करते हैं। हमारा यहाँ भी एक बच्चा का इलाज चल रहा है, हमारा पहले पहले से ही मैंने बताया हमारा
स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, काफ़ी लोग बच्चों को ना टेम्प्ररी ट्रीटमेंट करके भेजते हैं, ऐसे करने से ना उनको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, उनका ना सही इलाज होना चाहिए और तो पूरे भविष्य तक उनको प्रॉब्लम रहते हैं। Feels good. We were never closed. We were working throughout the corona time and we have provided all the equipments and the department is also fumigated after every patient. So there is no chance of. And even in that corona time also, patient flow is very high as compared to our hospital at CMC. Yes, sir, because the nearby small clinics were not working and we were open, so all the cases were referred to us. हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट है और इधर सारे का हर सर्जरी मैक्सिलोफेशियल करते हैं। हमारा टीम अभी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, और पूरे टीम के साथ हमने कर दिया। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, आमतौर पर देखा गया कि हॉस्पिटल्स में ऐसी क्लीननेस नहीं मिलती, और जिस तरीके से सैनिटाइज की बात है, कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, क्या कहते हैं? हाँ जी, हमारे एक टीम है जनरल सुपरिटेंडेंट के वजह से, उन्होंने अभी उनको लुधियाना कॉरपोरेशन को अवार्ड भी मिला और उन्होंने काफ़ी मदद करते, हमारा स्पिकन नीट है हमारा हॉस्पिटल में, हर जगह उन्होंने मदद करते हैं। थैंक यू। हमारा जो पेशेंट पर आते हैं ना, पहले हमारे रिसेप्शन में होते हैं, हमारा कंप्यूटराइज्ड एंट्री है सीएमसी के साथ ही, मेन डेटा सारे एंट्री होते हैं, हमारे तीन स्टाफ है, पहले काउंटर में एंट्री होते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और ओल्ड रजिस्ट्रेशन हमारे कैशियर है, सारे सिस्टम कोई नकली एंट्री कुछ नहीं है, सारे सीधा है, और पेशेंट को ये भी सुविधा है, उनको कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। इधर से उन्होंने जाते हैं, ये डिपार्टमेंट है ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, इधर उनके लिए ना स्क्रीनिंग करते हैं और टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका सारे आरोग्य सेतु आप चेक करते हैं उनको, इसके बाद ही इनको इलाज चेकअप के लिए भेजते हैं, इसके बाद जो एक्सरे करना चाहिए उसका एक्सरे कर कर हमने दूसरे जगह भेजते हैं। सर, इन दिस कोरोना एपिडेमिक वी आर सीइंग दैट स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस सीएमसी डेंटल कॉलेज, क्या करें? Sir, actually we have to screen the patient first. Whenever the patient comes here, we will screen the patient first. If the temperature, we are looking actually what the temperature is. So if the temperature is above the 98 degree Fahrenheit, then we have to just directly send the patient to CMC hospital. Otherwise, we cannot give the treatment here. So this is like a testing team. Surely. First, we have to screen the patient. Then only we will make sure that they are not affected with any kind of disease, especially COVID. Being a part of this college, we do the initial checkup as well as the screening. So the patients come first to this department. So we do a minor checkup and then send them to different various departments. कैसा लग रहा है आपको सीएमसी में? बहुत अच्छा लग रहा है, वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 12 इयर्स अटैच्ड विद सीएमसी है, सो वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब, वर्किंग फॉर द पेशेंट्स, डूइंग गुड डेंटल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट डेंटल सर्विसेज इन लुधियाना फ्रॉम द लाइक सीएमसी, एज यू नो कि फ्रॉम द पास्ट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट ईयर 25 इयर्स डेंटल कॉलेज। सर, अगर हम बात करें सिंपल प्रोसीजर्स की, रूट कनाल की अगर हम बात करें, तो इस हॉस्पिटल ने 2001-2 में से ये जो रूट कनाल है और प्रोसीजर्स हैं, इम्प्लांट की बात करें तो, लेकिन लोग आजकल इसको बना रहे हैं कि अभी इम्प्लांट आया है, क्या कहना चाहेंगे कि सीएमसी तो एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ सबसे पहले जो भी चीज़ें अमेंड होनी है वो सबसे पहले सीएमसी करता है? डेफिनेटली वी टेक की दी फर्स्ट स्टेप टू वी टेक द लीड इन द डेंटल सर्विसेज एंड वी आर मतलब प्रोवाइड दी मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज है विद द बेस्ट पॉसिबल मटीरियल एंड इन द काइंड ऑफ इकोनॉमिकल मैनर टू द पेशेंट, मतलब कॉस्ट वाइज ऑल्सो वी ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज एंड वी वॉन्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन दिस। ये हमारा सेंटर है,
होती है। देखो टोबैको इंटरवेंशन इनिशिएटिव हमने 2 साल से ये चल रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट में अभी शुरू किया है, पहले से हमारे एक रूम डेडिकेटेड है और इसके साथ है ना इस इलाका में वो हमारे ओरल कैविटी में आते हैं, अल्सर्स आते हैं, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग डेंटिस्ट के पाते हैं गम डिसीज और दांत फिलिंग करने के लिए, बाकी चीज़ कोई देखते नहीं है। हमारा एक मेजर रेफरल सेंटर है, बाकी मुंह के बीमारियों का इलाज करते हैं। ये हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर शेहर, वो हेड करते हैं, इसके बारे में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा लाइक टबैको सेशन सेंटर है एंड वी वर दी फर्स्ट इन दी होल पंजाब टू स्टार्ट दिस सेंटर वेयर वी हम जो पेशेंट जिनको भी जैसे सिगरेट पीने की या कुछ भी गुटखा ज़्यादा खाने की हैबिट है उनको भी मोटिवेट देम टू स्टॉप दिस हैबिट एंड वी टेल वी लाइक हेल्प देम टू इन स्टॉपिंग दिस हैबिट। देर आर डिफरेंट डिफरेंट मतलब उनकी काउंसलिंग करके वी मोटिवेट देम, मोटिवेशनल वीडियोज़ है सब कुछ एंड ऑल डिफरेंट मेडिसिन की हेल्प से भी motivate them. We have a full like every day we have so many patients and we have follow up also regularly of these patients, so this is a definitely big step and helpful for the patient. This department mein to prosthodontics department hai, a postgraduate department hai, idhar humne denture banate hai, jo dant nikal gaya uska implant ka crown lagate hai और जो रिमूवेबल डेंचर है कंप्लीट डेंचर है और हर तरह का ना इवन मैक्सिलोफेशियल कैंसर के वजह से हड्डी निकल गया तो वो भी हमने बनाते हर चीज़ का करते हैं। हम आप देख सकते हैं अभी हमने इसका सही तरह से करते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आजकल कोरोना के वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं, हमने पूरा प्रिकॉशन लेकर काफ़ी डिस्टेंस बनाकर सबका इलाज करते हैं। पर मैंने सारे बच्चे ने भी अभी क्लासेस शुरू हो गया, जो प्रिकॉशंस लेना है हर बच्चे लेकर हमने आसिस भी कर रहे हैं और सारे पेशेंट दूर से भी आते हैं उनके सबके लिए हमने इलाज कर रहे हैं। है इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर नताशा गांधी एंड शी विल एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे उनका क्या क्या काम चलते हैं, इम्प्लांट का काम और ऑल ऑन फोर, ऑल ऑन वन और सारे कुछ बताएंगे। ये हमारा प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली यहाँ पे इंस्टीट्यूट होने की वजह से हम यहाँ पे इम्प्लांट्स करते हैं, जो यहाँ के जो मेन हमारे डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी है कि हम यहाँ पे इम्प्लांट्स के ऊपर हम कैप्स देते हैं जर्नल पेशेंट्स के लिए, जो अफोर्डेबिलिटी बाहर नहीं होती हम कम रेट्स में भी उनको प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ पे हम उनको डेंचर्स भी पूरा और नीचे वाला डेंचर वो भी इम्प्लांट्स के ऊपर दिया जाता है, सिंगल कैप सिंगल क्राउन्स हम देते हैं और जो प्रोसीजर्स बाहर पॉसिबल नहीं है वो हम इस इंस्टीट्यूट में कम से कम इम्प्लांट्स पे उनको उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर उनको हम वहाँ पे उनको डेंचर या फिक्स या उतारने चढ़ाने वाला हर उनके पॉकेट के हिसाब से उनकी गुंजाइश के हिसाब से उनकी लुक्स के लिए उनकी हर चीज़ के लिए हम उनको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं। बिसाइड्स दैट कि हम इम्प्लांट्स कर रहे हैं, हम नॉर्मल उम्र वाले पेशेंट्स के लिए कंसेशन में हम उनको डेंचर प्रोवाइड करते हैं, उनको उतारने चढ़ाने वाली पेज देते हैं। तो ये हमारा Smile designing. If you talk about aged patients or young patients, yeah, we provide the smile, aesthetics, phonetics, and khana as well. Maxillofacial, yeah, हम maxillofacial का है यहाँ पे, हम artificial eye, artificial ear, artificial fingers और artificial nose वो सब provide करते हैं cancer patients के लिए जिनके यहाँ पे वो problem होती है खाने की looks की, दैट ऑल्सो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे उनको सर्जिकल स्टेंस, रेडिएशन स्टेंस ऑब्वियसली जो रेडिएशंस के लिए जाते हैं उनके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड, इवन स्कल भी आर्टिफिशियल स्कल भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज सबको इलाज करता है वैसे कोई हम सबको फ्री में नहीं कुछ नहीं कर सकते नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं सस्ता ट्रीटमेंट का मतलब ये हमने नो मेटीरियल कम करते नहीं है। हमारा जो पेशेंट का हम सबको मदद करते हैं, रिच मिडिल क्लास पुअर, बट वी रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल
who can afford the treatment, they should pay full charges. CMC ka chief maintenance officer Mr. engineer Sharanpreet Singh hai, unhone idhar ka जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और इधर का मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग है सबसे पुराना है, 100 साल से ऊपर है, इसके लिए बहुत मेंटेनेंस चाहिए, फिर भी इसके बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने मेंटेन किया, इसके बारे में हमारे सामने। नमस्कार जी, जिदा साढ़े मान योग सत्कार योग डेंटल दे प्रिंसीपल डॉक्टर थॉमस जी ने बताया कि बिल्डिंग वाकई बहुत सालों पुरानी है और हमारा खुद का यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं पुरानी बिल्डिंग को। और आपको पता ही होगा कि जैसे पंजाब सरकार ने एक स्वच्छता रैंकिंग अभियान 2021 शुरू किया हुआ है, तो उसमें हमारी एक पूरी कॉरपोरेशन से टीम आई थी, इंस्पेक्टर से डॉक्टर मैडम शिवाती टिवाना के जो जोनल कमिश्नर है कॉरपोरेशन के उनके अंडर, तो वो 8-9 लोगों की जो टीम आई थी उन्होंने हमारा पूरा डेंटल कैंपस मेडिकल कॉलेज सब चेक किया, जिसमें उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट की फैसिलिटी, जर्नल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ग्रीन वेस्ट और हमारा ऑरो प्लांट की फैसिलिटी जो भी है सारी चीज़ उन्होंने चेक की और हमारा हॉस्पिटल को उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग दिया है और हमें अवार्ड भी दिया है, अवार्ड से ऑनर किया है CMC हॉस्पिटल को। और हमें और भी उन्होंने प्रेरित किया कि आप लोगों को भी जागरूक करो कि कैसे हमने अपने सिटी को जीरो वेस्ट करना है। अगर हम सब मिलके एफर्ट्स करेंगे, ये सारी टीम एफर्ट्स हैं, अगर हम मिलके एफर्ट्स करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल क्या बाकी सारे हॉस्पिटल भी नंबर 1 रैंकिंग पे आएंगे। और हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए और अपने सिटी को क्लीन रखना चाहिए ताकि जो पूरे सिटी में जीरो वेस्ट हो जाए। धन्यवाद। डेंटल फार्मेसी है, काफ़ी जगह में ऐसे सुविधा नहीं होते हैं, हमारे 3-4 साल से इधर ये बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। इधर जो पेशेंट को चाहिए स्पेशलाइज्ड ब्रशेस चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सारे कुछ एक ही रूप में साथ ही ले सकते हैं और हमें वो बाहर का रेट से कम में बेचते हैं, इसलिए ना किसी को नुकसान भी होता है ना उनको कंफर्टेबल होता है। और हमारे साथ फार्मासिस्ट आशा है और सारे सिस्टम है, उनको सारे मेडिसिन का एक्सपायरी डेट देख कर सबको देते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन भी देते हैं।